गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट हिस्ट्री एंड इन हिस्ट्री वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। ऑल ऑफ अस हैव हियर्ड अबाउट द फेमस आर्किटेक्चर बिल्डिंग ताजमहल विच इज़ इन आगरा एंड रेड फोर्ट विच इज़ इन नाउ in Delhi. So all these architectures, all these buildings were built by Mughals. So Mughals basically kaun the? Who were the Mughals? Mughals were descendants of two great lineages of rulers, यानी जो मुगल्स थे, जो मुगल्स का फाउंडर था वो था बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर ने मुगल एम्पायर को फाउंड किया। उसने दिल्ली सल्तनत का एंड करके मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। 1526 में बाबर ने इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड स्टार्टेड द मुगल डायनेस्टी। जो बाबर थे ये अपनी माँ की साइड से, मदर की साइड से ये गेंगीज खान के डिसेंडेंट्स थे। गेंगीज खान एक मंगोल थे। गेंगीज खान एक मंगोल थे जिन्होंने चाइना, सेंट्रल एशिया इस पे पूरी तरह कब्जा कर लिया था और अपना एम्पायर वहीं पर एस्टेब्लिश किया था। एंड बाबर के पिता जो थे, बाबर अपने पिता की साइड से तैमूर के डिसेंडेंट्स थे। और ये जो तैमूर थे ये ईरान, इराक और जो इस समय जो टर्की है उस पर राज किया करते थे। ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। सो एज वी नो दैट बाबर is the first Mughal emperor who found the Mughal empire and at the age of 12 years he became the king of Fargana. Fargana ek central asia mein ek choti si riyasat hai, choti si princely state hai, and in 1494 he became the successor of the throne of Fargana. And वहाँ पर कई दूसरे rulers भी थे like the Uzbeks, और जो कि बार बार बाबर पर अटैक कर रहे थे और जिनके डर से बाबर अपने Fargana से भाग कर इधर अफगानिस्तान में आ गए। और अफगानिस्तान में इन्होंने काबुलन कांधार पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद बाबर ने इंडिया पर अटैक किया इन 1526। उस समय इंडिया का रूलर इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था और लोदी डायनेस्टी का लास्ट किंग था। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। बाबर का सन था हुमायूं। उसने आगरा को कैप्चर कर लिया और अपने पिता को यानी कि बाबर को गिफ्ट कर दिया। सो नाउ we'll study about the Mughal emperors one by one with a serial. So
फर्स्ट मुगल एम्परर वाज बाबर हु ऑक्यूपाइड इंडिया इन 1526 एंड ही डाइड इन 1530, यानी कि केवल 4 साल तक बाबर ने इंडिया पर शासन किया एंड 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर ने प्राइमरली 4 बैटल्स इंडिया में लड़ी, इन विच द मोस्ट प्रोमिनेंट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये जो भी बैटल्स होती थी, ये जहाँ पर लड़ी जाती थी, जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर ये लड़ी जाती थी, जनरली उसी के नाम पर उस बैटल का नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इट वॉज फॉट एट द पानीपत, सो इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, इट वॉज फॉट इन 1526 एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन दिस बैटल। आफ्टर दिस इन 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। खानवा एक आगरा के पास एक छोटा सा प्लेस है, वहीं पर ये बैटल लड़ा गया था, सो इट इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ खानवा विच वॉज फॉट इन 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। राणा सांगा वॉज राजपूत रूलर एंड इन 1528 बाबर अगेन फॉट अ बैटल विच इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ चंदेरी। ये चंदेरी में लड़ा गया था एंड इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय एक राजपूत था जिसको बाबर ने डिफीट कर दिया एंड उसके बाद इसने आगरा और दिल्ली पे पूरा कंट्रोल ही कर लिया था। एंड द लास्ट बैटल वाज द बैटल ऑफ घाघरा विच वाज फॉट इन 1529 एंड इन दिस ही डिफीटेड द अफगान रूलर्स विच हैव देयर ऑक्यूपेशन इन द बंगाल एंड बिहार। ओके, एंड नाउ द सन ऑफ हुमायूं, सन ऑफ बाबर वाज हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से लेके 1540 तक दिल्ली पर उसने शासन किया। उसके बाद कुछ अफगान रूलर्स जो थे उन्होंने इसको डिफीट कर दिया और इसे भारत छोड़ के जाना पड़ा एंड 1555 में इसने अगेन अटैक किया और अपना जो भी किंगडम था वो वापस ले लिया और फिर केवल एक ही साल के लिए 1555 फ्रॉम 1556 ही रूल्ड द दिल्ली। ओके, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। यानी बाबर की इच्छा थी कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ में राज्य का बंटवारा करे और उसके बाद अपना अपना अलग अलग शासन स्थापित करे, तो उसी हिसाब से हुमायूं ने किया और उसने अपने किंगडम का बंटवारा अपने भाइयों के साथ कर दिया। शेर खान एक अफगान रूलर था। शेर खान यानी जिसका नाम शेर शाह सूरी था, जिसने जीटी रोड बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड, जानते हैं आप ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ये शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। और शेर शाह ने, जिसको शेर खान कहा जाता था पहले, बाद में नाम शेर शाह पड़ा, तो शेर खान ने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में डिफीट किया 1539 में। और उसके बाद एक फिर से बैटल हुआ था जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम कहा जाता है और बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है, क्योंकि बिलग्राम कन्नौज में ही है, इसलिए दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज। तो इसमें भी शेर खान ने हुमायूं को डिफीट किया और हुमायूं डिफीट होकर भाग जाता है इंडिया से और भाग कर ये ईरान पहुंच जाता है। और ईरान में इसका एक दोस्त था सफविद शाह, उसके पास ये शरण लेता है
और फिर वहाँ अपनी पावर बढ़ाता रहता है। फिर 1555 में ये अगेन अटैक करता है और ऑक्यूपाई कर लेता है इंडिया को। और उसके बाद 1556 में, जल्द ही 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। वहाँ पर एक दिल्ली में एक लाइब्रेरी होती है जिससे उतरते वक्त पैर फिसल जाने से हुमायूं की डेथ हो जाती है। इसमें हुमायूं को काफ़ी चोट लग जाती है सर में, बाय विच हुमायूं डाइड। एंड नेक्स्ट इज अकबर। वी कैन से अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द मुगल्स, यानी कि अकबर ने मुगलों की जो पावर थी वो बिल्कुल पीक पे पहुंचा दी। व्हेन अकबर बिकेम द किंग ही वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। एंड अकबर का एक संरक्षक था, वी कैन से बैरम खां। बैरम खां इज लाइक द रीजेंट। बैरम खां एक रीजेंट की तरह था क्योंकि उस समय अकबर छोटा था, इस वजह से पूरा जो भी किंगडम की देखरेख होती थी, जो भी बैटल्स होते थे, वो सब बैरम खां के अंडर में होते थे। उसके बाद जब अकबर को पूरी समझ आ गई तो उसने बैरम खां को निकाल दिया। और अकबर के एक संत थे जिनका नाम था सलीम, जिन्होंने अकबर के ही मतलब शासनकाल में रिवोल्ट किया था, और ये सलीम ही बाद में आगे चल के जहांगीर बन गए थे। ही बिकम जहांगीर। जो अकबर का द होल पीरियड ऑफ अकबर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, यू कैन से थ्री पीरियड्स। दिस इज सिंपली 1556 टू 1570, एंड सेकेंड इज 1570 टू 1585, एंड थर्ड इज 1585 टू 1605। तो 1556 टू 1570 में क्या होता है, अकबर जो है बैरम खां से मतलब जो बैरम खां की पावर होती है वो इसमें चली जाती है और अकबर के हाथ में पूरी पावर आ जाती है। और इसी समय अकबर का एक भाई होता है सौतेला भाई, मिर्ज़ा हाकिम, वो भी रिवोल्ट करता है, लेकिन अकबर जो है उसको डिफीट कर देता है। एंड द सेकेंड पीरियड होता है 1570 टू 1585, जिसमें अकबर मेनली जो गुजरात होता है और जो उसका आसपास का एरिया होता है, और इसके अलावा ये बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, तो इन पे ये अटैक करके इनको अपने किंगडम में ले लेता है। एंड द थर्ड पीरियड इज 1585 टू 1605, जिसमें अकबर अपनी जो है एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, इवन इन द साउथ एंड इवन इन द अफगानिस्तान, बिकॉज एट दैट टाइम काबुल एंड कांधार जो था उसको भी अकबर एनेक्स कर लेता है अपनी किंगडम में। सो दिस इज ऑल अबाउट अकबर, एंड नाउ वील डिस्कस अबाउट जहांगीर। तो जहांगीर, ओके, तो जो जो भी मिलिट्री कैंपेन्स जो अकबर ने स्टार्ट की थी और जो भी टेरिटरी अकबर ने एक्वायर की थी उसको जहांगीर रिटेन करने का प्रयास करता है। एंड इवन जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जिनको अकबर डिफीट नहीं कर पाया था, उनको जहांगीर डिफीट कर देता है। एंड दे एक्सेप्टेड द सबॉर्डिनेशन ऑफ मुगल्स। इसके अलावा जो जहांगीर के समय में, जहांगीर का सन होता है एक खुर्रम, खुर्रम जो कि आगे जाके शाहजहां बनेगा, शाहजहां के नाम से थ्रोन पे बैठेगा।
वो भी रिवोल्ट करता है और उसके बाद वो एम्परर बन जाता है। इसके बाद आता है शाहजहाँ, जिसको हम जिसके बचपन का नाम खुर्रम था। नाउ शाहजहाँ, शाहजहाँ कंटिन्यूड द बैटल्स दैट वर ऑलरेडी इन द कंटिन्यूएशन विद द जहांगीर एंड अकबर, एंड देर इज नोबल नेम्ड खाने जहां लोदी, वो रिवेल करता है बट शाहजहां उसको डिफीट कर देता है। एंड शाहजहां हैज़ बिल्ड द फेमस मोनूमेंट वी नो ताजमहल। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1632। इट वाज स्टार्टेड इन 1632 एंड देन इट टेक प्लेस इन मैनी ईयर्स। एंड ड्यूरिंग द लास्ट टाइम पीरियड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज इम्प्रिजेंड बाय हिज सन औरंगजेब ड्यूरिंग द वार ऑफ सक्सेशन। यानी शाहजहाँ के कई पुत्र थे, देयर वर मैनी सन ऑफ शाहजहाँ, जो कि एम्परर बनने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे और जिनमें औरंगजेब जीत जाता है और अपने बड़े भाई जिसका नाम दारा शिकोह होता है उसको उसको मार देता है और अपने दूसरे भाइयों को भी मार देता है और शाहजहाँ को कैप्चर कर लेता है और उनको जेल में डाल देता है। और जेल जेल में डाल देने के बाद पूरी उम्र शाहजहाँ जेल में ही रहता है और एंड इन द लास्ट वो मर जाता है। एंड नाउ कम्स द औरंगजेब। औरंगजेब वी कैन से फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब दीज मुगल्स आर कॉल्ड ग्रेटर मुगल्स एंड आफ्टर दिस ऑल द मुगल्स वर कॉल्ड लेटर मुगल्स। इनको ग्रेटर मुगल्स कहते हैं और औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल एम्परर होते हैं उन्हें लेटर मुगल्स कहते हैं। ओके, औरंगजेब अपने लाइफ के लास्ट टाइम में डेक्कन में काफ़ी समय तक रहा था। डेक्कन इंडिया यानी डेक्कन एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ओके, औरंगजेब इनिशियली डिफीट शिवाजी बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी एंड शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम आगरा एंड उसके बाद शिवाजी अपनी हार का बदला लेते हैं औरंगजेब से और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं। शिवाजी वाजे मराठा किंग एंड वी कैन से ही इज़ द ओनली हिंदू किंग एट दैट टाइम बिकॉज एट दैट टाइम विजयनगर वाज ऑलमोस्ट रियूंड। विजयनगर वाज ए हिंदू किंगडम, इट वाज ऑलमोस्ट रियूंड एट दैट टाइम। एंड नाउ आफ्टर औरंगजेब देयर कम्स लेटर मुगल्स एंड हियर इज द मैप। यू कैन सी दैट द रेड एरिया दैट इज द पिंक एरिया इट ऑल वाज कंकर्ड बाय अकबर। अकबर ने ये सब पहले ही कंकर्ड कर लिया था। यू कैन सी दिस एरिया, दिस इज हियर अफगानिस्तान। काबुल एंड कांधार आर इन अफगानिस्तान, दीज आर ऑक्यूपाइड बाई अकबर एंड होल द एरिया। एंड आफ्टर दिस औरंगजेब ऑक्यूपाइड बीजापुर इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687 एंड हियर इज गोंडवाना। ओके, सो टुडे हम यहीं तक स्टडी करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, सो नेक्स्ट डे ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। ओके, हैव अ नाइस डे।